दिल्ली सोनीपत, पानीपत, अंबाला, कुरुक्षेत्र, लुधियाना, जालंधर, पठानकोट या जम्मू तवी, यहाँ पे आप कहीं भी रहते हो या यहाँ से आप दिल्ली के लिए या अलग अलग जगहों के लिए सफ़र करते हो, तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। दिल्ली से अंबाला के बीच में दो नई रेल लाइन और अंबाला से जम्मू के बीच में एक और नई रेल लाइन बिछने वाली है। इनडायरेक्टली डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जाल बिछने जा रहा है और अब आप यहाँ से जब भी सफ़र करेंगे तो आपकी ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। भारतीय रेलवे की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ खास डिटेल्स देने वाला हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा, अगर आप चैनल पे नए आए हैं, भारतीय रेलवे से जुड़े कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, एंड तक बने रहिएगा। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की अपनी इस अपडेट को। गाइज, मिशन रफ्तार से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। दिल्ली से जम्मू के बीच में भारतीय रेलवे 600 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के ऊपर, आप कह सकते हैं, तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने जा रहा है, जिसके बाद आपकी जो ट्रेनें हैं ना वो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगेंगी। आप यदि दिल्ली से सोनीपत, दिल्ली से पानीपत, दिल्ली से अम्बाला, दिल्ली से कुरुक्षेत्र, दिल्ली से लुधियाना या फिर दिल्ली से जालंधर या दिल्ली से पठानकोट या दिल्ली से जम्मू तवी सफ़र करते हैं तो अब आपकी ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। यहाँ पे जो कंपनी है ना, जो कि यहाँ पे अभी तक सर्वे तैयार कर रही थी, उसने अब यहाँ पे सर्वे का काम पूरा कर लिया है। ओवरऑल जो अलाइनमेंट की रिपोर्ट है वो अंबाला डिवीजन के रेलवे के ऑफिशियल्स को सौंप दी गई है और अब इस पे यहाँ पे विभागीय अधिकारियों ने जो काम है ना वो शुरू कर दिया है कि किस प्रकार यहाँ पे रेल लाइनें बिछाई जाएंगी, किस प्रकार ट्रेनों को चलाया जाएगा। अब यहाँ पे बता दूं, भारतीय रेलवे अब यहाँ पे एनालाइज करेगा और उसके बाद नई रेल लाइन से जुड़ी जो प्रस्तुति है वो रेलवे बोर्ड के समक्ष दी जा सके। इसीलिए यहाँ पे अब ये बताया जा रहा है कि जो ये परियोजना है ना ये करोड़ों रुपए की है और इसके ऊपर अंतिम मोहर जो है वो रेलवे बोर्ड ही लगाएगा। अब देखिए, पुणे की जो कंपनी है उसने यहाँ पे जो सर्वे है वो किया है और इस सर्वे को यहाँ पे तीन सेक्शंस में बांट के किया गया है। दिल्ली से अंबाला के बीच में, अंबाला से जालंधर के बीच में और जालंधर से जम्मू के बीच में यहाँ पे सर्वे अलग अलग हिस्सों में हुआ है और अप्रैल 2024 से ही सर्वे किया जा रहा था। अब यहाँ पे सर्वे भी पूरा हो गया है और जो यहाँ पे ओवरऑल प्रोजेक्ट है ना उसमें यहाँ पे अपने अपने हिस्से की जो रिपोर्ट है वो रेलवे डिवीजन को भेज दी गई है। 200 किलोमीटर की नई रेल लाइन की यहाँ पे देखरेख जो है वो भारतीय रेलवे करने वाला है और उसके बाद यहाँ पे अब काम भी शुरू होने वाला है। एक या दो लाइन का फैसला अब रेलवे पर है क्योंकि दिल्ली से अंबाला के बीच में यहाँ पे दो नई रेल लाइन यहाँ पे बताई जा रही है कि बिछाई जाएगी और अंबाला से जम्मू के बीच में यहाँ पे एक रेल लाइन बिछाई जाएगी। ऐसी बातें अभी यहाँ पे रिपोर्ट में निकल कर आ रही है। देखिए, मौजूदा समय में दिल्ली से जम्मू के बीच में दो रेल लाइनें एग्जिस्ट करती हैं जिसपे ट्रेनें 130 और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जब तीसरी और चौथी लाइन बिछेगी तो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनों को चलाया जा सकेगा क्योंकि जो आपकी मालगाड़ियां हैं, जो फ्रेट ट्रेन है, उनके लिए डेडिकेटेड ट्रैक्स मिल जाएंगे जिनको इनडायरेक्टली आप डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बोल सकते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि दो और नए ट्रैक्स आने से क्या होगा ना कि मालगाड़ियां अपने सेपरेट ट्रैक्स पर चली जाएंगी और भारतीय रेलवे की ट्रेनें अपनी रफ्तार में चल सकेंगी। और साथ ही में जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है जो कि पंजाब के लुधियाना को वेस्ट बंगाल के, आप कह सकते हैं, दांकुनी से कनेक्ट करता है, वो भी तैयार हो गया है लगभग और उससे यहाँ पे ये जो रेल लाइनें हैं वो जुड़ेंगी तो इसकी वजह से मालगाड़ियों को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, आप कह सकते हैं, कि आसानी होगी चलने में और दूसरी तरफ भारतीय रेलवे की ट्रेनों को भी रफ्तार मिल पाएगी। इस तरीके से ओवरऑल जो मिशन रफ्तार का काम है वो आने वाले दिनों में होने वाला है। एक नई रिपोर्ट निकल कर आई तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बताया जाए। बाकी आगे की अगर कोई जानकारी आती है तो वो मैं जल्द से जल्द बताने की कोशिश करूँगा। अभी फिलहाल रिपोर्ट जो है वो तैयार हुई है और इसके आधार पे अब यहाँ पे ट्रैफिक सहित और कुछ अन्य अहम जानकारियाँ जो है वो मांगी गई हैं। इसके बाद जो फाइनल रिपोर्ट है वो तैयार हो जाएगी और इसको रेलवे के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पे रेलवे के बाद यहाँ पे कुछ आप कह सकते हैं कि जो काम वगैरह है वो शुरू होगा और यहाँ पे ट्रेनें चलेंगी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। हाँ, समय लगने वाला है लेकिन बहुत जल्द काम भी शुरू हो जाएगा। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिलहाल के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं आज की इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ आपसे आने वाली कुछ और नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए रखिएगा आप लोग अपना ख्याल। होप टू सी यू अगेन। बाय बाय गाइज़।